नमस्कार, स्वागत है आपका पीएच वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज के इस सफर की शुरुआत करने से पहले, जो प्रत्येक दिन आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले हम उसका जवाब दें। सबसे पहले कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि ओमान की राजधानी कहाँ है। मस्कट ओमान की राजधानी है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था FATF का फुल फॉर्म क्या होता है। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और तीसरा क्वेश्चन था महाराष्ट्र विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो महाराष्ट्र विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या 78 है। आप में से बहुतों ने इस क्वेश्चन को शायद ध्यान से नहीं सुना और आपने विधानसभा में जो सीटों की संख्या है उसको आपने बताया है। मैं मनीषा कुमारी, अनुराधा पांडे, दीप शिखा, नीरज कुमार और तमाम छात्रों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन देखते हैं और आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाता है आप उसका सही सही जवाब देने का प्रयास भी करते हैं। आप यूं ही डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में बने रहे। तो अब आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत एवं मालदीव के बीच 10वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवरीन 2019 का आयोजन कहां किया गया। इसका जवाब है महाराष्ट्र के पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में 7 से 20 अक्टूबर तक भारत एवं मालदीव के बीच का जो 10वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में हाल ही में विधानसभा के चुनाव भी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में लद्दाख में किस सेतु का लोकार्पण हुआ है। उस सेतु का लोकार्पण किया है भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने और उस सेतु का नाम है कर्नल चिवांग सेतु। कर्नल चिवांग भारत के सेना में कर्नल के पोस्ट पर थे और इन्हें वर्ष 1952 ईस्वी में महावीर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। तो इन्हीं के नाम पर लद्दाख में एक सेतु का नाम रखा गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजिप्ट इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 का मिक्स्ड डबल खिताब किसने जीता। तो इसका खिताब जीता है कुहू गर्ग और ध्रुव रावत की जोड़ी ने। यह दोनों भारत से हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2019 का आयोजन कहां किया गया था। तो इसका जवाब है दक्षिण कोरिया के इंचियोंग में। और एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ था वह 17 से 21 अक्टूबर तक किया गया था और इसमें भारत ने कुल 4 पदक अपने नाम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा खेल से ही संबंधित है और यह हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान जोहोर कप का संबंध किस खेल से है। तो हॉकी से इसका संबंध है। हाल ही में मलेशिया में सुल्तान जोहोर कप खेल का आयोजन किया गया जिसमें ब्रिटेन की टीम ने फाइनल में भारत की टीम को 2-1 से परास्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वह भी खेल से ही है और यह कबड्डी से है। क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग के 7वें संस्करण का विजेता कौन बना। तो इसका जवाब होगा बंगाल वॉरियर्स। फाइनल में बंगाल वॉरियर्स की टीम ने दबंग दिल्ली को 39-34 के अंतर से पराजित किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस स्मृति दिवस का पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। पुलिस स्मृति मनाए जाने के पीछे का इतिहास क्या है, हम इसका यहाँ पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। 21 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लद्दाख में 20 पुलिस जवानों के चौकी पर चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया था, वहां पर फायरिंग की जिसमें 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। तो उन्हीं की शहादत को याद करने के लिए प्रत्येक साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस दरअसल प्रत्येक 5 सालों पर मनाया जाता है और यह मनाया जाता है किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो इसका जो आयोजन है अब 20 अक्टूबर 2020 को किया जाएगा। इससे पहले इसका आयोजन 2015 ईस्वी में किया गया था, 2020 में होगा और फिर उसके 5 साल बाद 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा।
दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध कवि है, अब उनसे संबंधित हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवी सिधैया का संबंध किस क्षेत्र से है? केवी सिधैया का संबंध लेखन कार्य से है, हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये दक्षिण भारत के थे। नेक्स्ट और हमारा आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, सबसे प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिक सम्मान से किन्हें पुरस्कृत किया गया है? तो पूर्व अटॉर्नी जनरल के पाराशरन को भारत के सबसे प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया है और इनको यह पुरस्कार दिया है भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। इनको भारत के पितामह के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर बुलेटिन। अब तीन क्वेश्चन प्रत्येक दिन आपसे पूछते हैं, अब क्वेश्चन पूछने की बारी आती है। आपको बताना है सबसे पहला पहला क्वेश्चन है मालदीव की राजधानी का है, दूसरा क्वेश्चन सुल्तान अलजान शाह का संबंध, सुल्तान अलजान शाह कप का संबंध किस खेल से है, और तीसरा क्वेश्चन आपसे है इजिप्ट इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2019 का फाइनल कुह गर्ग एवं ध्रुव रावत की जोड़ी ने किसको हराकर जीता। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कमेंट में उसका जवाब आप जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर होगी आपसे अगले वीडियो में मुलाकात। धन्यवाद।